हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला हिम्मत मिले। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC अमजद। वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है फॉर नए एसी टेक्नीशियन के लिए, बहुत मालूमात वीडियो है। एक बात और, जब भी यूट्यूब पे सर्च करें तो मेरा जो चैनल है HVAC अमजद वो मिला के लिखें, गैप नहीं करें, स्पेस नहीं दें। आप HVAC के बाद स्पेस नहीं दें बल्कि HVAC अमजद मिला के लिखें तो ईज़िली आपको यूट्यूब पे नज़र आ जाएगा। तो कुछ लोग सर्च करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं दिख रहा है, इसलिए वो बात मुझे याद आया तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। तो जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करें तो HVAC स्पेस नहीं दें बल्कि आप मिलाएं, उसको मिला के देखें अमजद, तो आपको वो ईज़िली मिल जाएगा। एक आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, कॉम्प्रेसर डिफेक्टिव ग्राउंड के ऊपर बात कर रहे हैं। जो लोग जानकार हैं वो जानते होंगे, जो नए लोग हैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है। ग्राउंड बहुत तरह का होता है, यानी कि तरह तरह टाइप का कंप्रेसर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्राउंड होता है। बहुत सारे सवाल इस तरह के आए हैं मुझे, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भेजा है, तो नए लोग थोड़ा परेशान हो जाए हैं, नए टेक्नीशियन, तो उन लोगों ने कहा कि इस तरह की आप वीडियो बनाएं। पहला टाइप का जो एक ग्राउंड जो होता है कन्फर्म, वो ग्राउंड में माना जाएगा। किस तरह का, कि तीन टर्मिनल, चाहे वो सिंगल फेस हो चाहे वो थ्री फेस हो, तीनों टर्मिनल में अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है तो वो कंप्रेसर कन्फर्म डिफेक्टिव है। तीनों में से किसी एक टर्मिनल में कंटिन्यूटी नहीं है कंप्रेसर कंफर्म है डिफेक्टिव है। शर्त यहाँ पर एक चीज़ है कि कंप्रेसर ठंडा होना चाहिए। अगर कंप्रेसर गर्म है तो फिर आपको ठंडा होने का वेट करने के बाद आप उसको दोबारा रीचेक करें। अगर वो ठंडा है, बंद था, उसके बावजूद भी किसमें कंटिन्यूटी तीनों में से किसी एक टर्मिनल में भी नहीं दिखा रहा है कंटिन्यूटी, तो ग्राउंड भी नहीं दिखा रहा है कि टर्मिनल यूनिट कंप्रेसर टर्मिनल और बॉडी में, तो ज़रूरत नहीं है। अगर तीनों टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल में भी आपका कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, कंफर्म है कंप्रेसर ख़राब है। शर्त यह है कि कंप्रेसर गर्म ना हो। कंप्रेसर का बॉडी अगर गर्म है तो फिर वो आपको इंटरनल ओवरलोड से ट्रिप होता है, तो उसका कूल होने का वेट करना चाहिए। तो ये पहला एक टाइप है। दूसरा टाइप का कंप्रेसर डिफेक्टिव का जो पहचान है, कंप्रेसर वाइंडिंग की पहचान है, थ्री फेज की हम बात कर रहे हैं, थ्री फेज का तीनों जो उसका जो तीन टर्मिनल है T1, T2, T3 तीनों में सेम रेजिस्टेंस बताएगा, इक्वल एकदम सेम, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं हो सकता है, ठीक है, सेम होना चाहिए। अगर बहुत डिफरेंस, थोड़ा बहुत कभी कभी 0 पॉइंट और प्रैक्टिकल में आता है, उसके मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, लेकिन उसका एकदम आपका सेम रेजिस्टेंस बताएगा। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो आपका कंफर्म है कंप्रेसर ख़राब है। लेकिन शर्त फिर इसमें यही है, स्पेशली स्क्रॉल कंप्रेसर में अगर उसका वाइंडिंग गर्म है, कंप्रेसर का बॉडी गर्म है, तो कूल होने का वेट करना है। उस पर लिखा भी होता है, अक्सर कंप्रेसर में लिखा रहता है कि आपको वेट करना है। तो दूसरा टाइप का ये है कि तीनों टर्मिनल का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तीनों में किसी भी एक टर्मिनल में, दो टर्मिनल में, तीनों में किसी भी टर्मिनल में, तो आपका कंप्रेसर ख़राब है। ये दूसरा हो गया आपका। थर्ड टाइप का एक ये भी प्रॉब्लम मिलता है, जानते होंगे जो लोग काम करते हैं फील्ड पे, बहुत इस तरह का मिलता है कि यूनिट का जो ब्रेकर है वो ट्रिप कर रहा है लेकिन ग्राउंड शो नहीं कर रहा, तीनों टर्मिनल में रेजिस्टेंस सही दिखा रहा है और उसके बाद टर्मिनल टू बॉडी में ग्राउंड भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब ऑन कर रहे हैं ब्रेकर, जब कमांड डिमांड आ रहा है, सिग्नल आता है कंट्रोल्स कॉन्ट्रेक्टर को, कंप्रेसर कॉन्ट्रेक्टर, सडनली मेन ब्रेकर ट्रिप कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है स्पेशली नए लोगों को, नए टेक्नीशियन को। तो वह कैसे कन्फर्म करें कि रेजिस्टेंस सही दिखा रहा तीनों टर्मिनल का लेकिन और ग्राउंड भी नहीं दिखा रहा, कंप्रेसर टर्मिनल और बॉडी पे नहीं दिखा रहा लेकिन ब्रेकर ट्रिप कर रहा है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। हाँ,
जो लोग काम करते हैं वो जानते होंगे। तो अब यहाँ नए लोग जो काम इस तरह का प्रॉब्लम नहीं देखें उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपका मल्टीमीटर से या क्लाइमीटर से नहीं दिखाए तो फिर करना क्या है, फिर वहाँ पर वो सीरीज बल्ब का इस्तेमाल करें और सीरीज बल्ब और कंप्रेसर टर्मिनल और बॉडी पे वो चेक करें। अगर वो ग्राउंड है कन्फर्म वो बता देगा। अगर लाइट थोड़ा लाइट जो बल्ब जब सीरीज बल्ब से चेक कर रहे हैं अगर वो जल गया, अगर वो लाइट जल गया तो इसका मतलब है आपका कंप्रेसर डिफेक्टिव है। तीनों टर्मिनल में किसी भी एक टर्मिनल में और बॉडी में सीरीज बल्ब लगाने से अगर सीरीज बल्ब का लाइट जलता है आपका कंप्रेसर ख़राब है। इस तरह का जब प्रॉब्लम हो तो इस तरह से चेक करना चाहिए, यानी इस तरह से चेक करना चाहिए। जब कब, जब वो ग्राउंड नहीं दिखा रहा है क्लाइमीटर में मल्टीमीटर में लेकिन ब्रेकर ट्रिप मार रहा है, रेजिस्टेंस भी सही दिखा रहा है, तो फिर ब्रेकर को ऑफ करके सीरीज बल्ब का इस्तेमाल करके और उस तरह से फिर आप इस कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। ये तीसरा टाइप है कंप्रेसर चेक करने का ग्राउंड की पोजीशन पे जब आपका ब्रेकर ट्रिप मारे तो। ये तीन हो गया, एक लास्ट वाला जो नंबर फोर, ये प्रैक्टिकली वीडियो है आप ये देखें। नंबर फोर जो प्रॉब्लम मिलता है कंप्रेसर डिफेक्टिव का वो देखें, आप इस वीडियो को देखें फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा। ओके, ये 4 टन का पैकेज यूनिट है, इसका कंप्रेसर डिफेक्टिव उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो सबसे पहले इसका पावर ऑफ कर लेते हैं, पावर को चेक कर लेते हैं। ऑफ कर दिया है लेकिन फिर भी चेक करो, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अब ऑफ हो गया है, दूसरी बार थ्री चेंज हो जाता है, तो ध्यान रखो। ओके, यहाँ पर देखो पीछे में लिखा हुआ है, अगर गौर करोगे अंदर की तरफ तो ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो है जो लेफ्ट साइड की तरफ ऊपर वाला, ये T1 है, राइट वाला जो येलो वाला T2 है, T3 है। कभी कभी ये इंटरचेंज होगा तो प्रॉब्लम होता है ना, अब नॉर्मल साउंड आता है फिर दिक्कत होगा। तो क्या है, वायरिंग को ध्यान दे दो निकालने से पहले, अच्छा रहता है। ओके, पहले चेक किया जा चुका है कंप्रेसर को, दोबारा एक बार फिर चेक कर ले रहे हैं। ओके, बस कोई भी टर्मिनल से एक टर्मिनल पे अगर ग्राउंड दिखा रहा है कंप्रेसर कंफर्म है ख़राब है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, कंप्रेसर कंफर्म है ख़राब है। आपस में भी चेक कर सकते हैं इसमें। ओके, तीनों में बता रहा है, तीनों में सेम है। देखो तीनों में सेम है, लेकिन अगर टर्मिनल से बॉडी में बता रहा है तो आपका कंप्रेसर ख़राब है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कन्फर्म इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों टर्मिनल निकाल दिए हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप एजुकेशन का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।